YouTube चैनल एग्जाम टिप्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सभी जानने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, यानी संपूरक मात्रक किसे कहते हैं। आपको मालूम होगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि समतल कोण और ठोसी कोण आते हैं। देखिए, समतल कोण को जब भी हम लोग हल करते हैं, ये रेडियन में करते हैं, इसको है ना RAD शॉर्ट में लिखा जाता है, यानी स्मॉल में ही लिखते हैं, RAD लिखते हैं। इसमें हम लोग करते हैं समतल कोण को हल, यानी ये बोल सकते हैं कि इस समतल कोण का जो मात्रक होता है, इनके मात्रक को हम लोग रेडियन कहते हैं। अगला ये है कि ठोसी कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो मात्रक है, ये स्टेरेडियन बोलते हैं इसको। स्टेरेडियन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी स्मॉल SR में इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। तो अगला इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक होता है, जिसको हम लोग डेरिव्ड यूनिट्स कहते हैं, डेरिव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब ये डेरिव्ड यूनिट्स के अंतर्गत, यानी कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक जो हैं, वो कौन कौन से हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि क्षेत्रफल, जिसको हम लोग एरिया कहते हैं, एरिया को हमेशा लेंथ में, लेंथ स्क्वायर में हम लोग सॉल्व करते हैं। लेंथ स्क्वायर में हम लोग हमेशा मीटर स्क्वायर लिखते हैं। जैसे कि आपको मापना हो अगर पड़ता है इस तरह का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो है ये लंबाई हो गया, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एल, और ये वाला बी होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम लोग लंबाई, ये लंबाई जो है, लंबाई दोनों को जोड़ देते हैं, यानी एल प्लस एल भी बोल सकते हैं, इंटू बी प्लस बी भी बोल सकते हैं। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जोड़ देंगे, तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, ये जो आयतन है, यानी जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, इसको हमेशा मीटर क्यूब में लिखा जाता है, चाहे किसी भी फॉर्म में लिखेंगे तो, लेकिन मीटर क्यूब में लिखा जाएगा। जैसे कि या सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आयतन जो है वॉल्यूम, तो लेंथ क्यूब में हमेशा इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, स्मॉल मीटर क्यूब होता है इसमें, इसका जो मात्रक SI मात्रक। अब देखिए, दूसरा है कि घनत्व, जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, इनकी राशि की परिभाषा जो होता है, तो मास पर यूनिट्स वॉल्यूम होता है। हम लोग हमेशा घनत्व को, डेंसिटी को KG में या मीटर क्यूब में लिखते हैं, और KG मीटर क्यूब, या फिर हम लोग लिख सकते हैं KG M पर पावर -3 भी लिख सकते हैं इसको, है ना, यहाँ पर या का चिन्ह देकर के आप लिख सकते हैं। अब देखिए, हमारा चाल है, जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो इसको हम लोग हमेशा लिखते हैं, इसका जो SI मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर होता है, या मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर, है ना, -1, इसको हम लोग इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।